मैं ये गुजारिश करूं कि तंजीम का वोट है और तंजीम का वोट मिला है पीर पंजाल में मियां साहब को, और मियां साहब तंजीम के कैंडिडेट थे। और मैं ये कहूंगा कि जितना उनके खिलाफ भी तो वोट पड़ा है, मैटर में भी तो 35-36 हजार वोट खिलाफ पड़ा है। ड्यूरिंग इलेक्शन उनके उनकी एक्टिविटीज अगर चेक की जाए तो आपको सामने वो सब चीजें बातें आ जाएंगी। मुझे कहने ये छोटी बातें हैं। मैं जी सर, जरा ये बताइएगा, हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं सर, उसमें लोगों का ये कहना है कि काफी वहां पे लॉबीज बनाई गई थी मेंडर में। काफी लोगों का ये कहना है, जो वोट पड़ा है मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब की शख्सियत पर नाम पे ये वोट पड़ा है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मुझे ये भी याद है जिस दिन काउंटिंग जिस दिन इलेक्शन हुए थे, और उसके 2 या 3 दिन बाद मेरे ख्याल में आपकी तरफ से आपका खुद का एक एग्जिट पोल आता है जिसमें आप 40 हजार दिखाते हैं। क्या वो 40 हजार का 40 हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस का था या बिलखसूस मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के नाम पर पड़े सर, देखिए मियाँ साहब ये जो मुझे हैं दीजिए। पार्टी के मैंडेट पे पार्टी के कैंडिडेट थे और पार्टी के मैंडेट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो तंजीम के कैंडिडेट थे और तंजीम का उनको वोट मिला। ये अलग बात है कि हम लाल शरीफ को अपना एक मरकज समझते हैं, हम सब लोग किताई पीर मंजाल के लोग अमूमन उनके साथ उनके खानवादे के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बात मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। और उनके साथ प्यार और मोहब्बत लोगों का है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप जायजा लेंगे तजिया करेंगे तो मैटर की बात की मैं करूंगा, तो आपने खुद जी कहा इलेक्शन के दिन जब इलेक्शन हुआ रात के 12:11 पे मैंने एग्जिट पोल बिल्कुल निकाला था, बिल्कुल उस एग्जिट पोल में मैंने 41 हजार कुछ वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए थे और साइलेंट वोट जो है 1500 मैंने रखे थे कि ये हमें मिलेगा, और उसमें हमें 41,900 कुछ वोट मिले, 42,000 के करीब हमें वोट मिले। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी ये बताएगा कि इतने इतने इस स्टेशन से वोट मिलेंगे? आप उठा के वो लिस्ट देख लीजिए, जिस दिन रिजल्ट होता है रिकॉर्ड में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, अब कैसे पता जी होता है कि ये वोट मिलेंगे? जाहिर है कि इसलिए पता होगा कि वहां हमारा कहाँ 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 कार्ड है, कहाँ कहाँ पार्टी के लोग हैं, क्या है, तो मुझे पता था कितना वोट मिलेगा और वो मैंने दिया और वो सच हुआ। हालांकि इस पे काफी लोग मेरे साथ बहस मुबासा करते थे, एजेंसीज के लोग, डिफरेंट लोग, कि नहीं जी ये है जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना वोट होगा, ये होगा, तो मैंने एग्जिट पोल निकाला था कि जो हमारी अपनी पार्टी है ये 5-6 के बीच रहेगी और 25-26 में पीडीपी जाएगी और 41-42 में एनसी जाएगी, इतना ही हुआ। तो मैं ये गुजारिश करूं कि तंजीम का वोट है और तंजीम का वोट मिला है पीर पंजाल में मियां साहब को, और मियां साहब तंजीम के कैंडिडेट थे, और मैं ये कहूंगा कि जितना उनके खिलाफ भी तो वोट पड़ा है, मैटर में भी तो 35-36 हजार वोट खिलाफ पड़ा है, जी लिहाजा ये तंजीम का वोट साहब, था। जो ये कहते हैं कि नहीं जी ये मियाँ साहब का जाती वोट था, जाती नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही वोट था, तो वो लोग ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी ये हम सब ने कोशिश किया, सब ने कोशिश की, मेरी मैं तो सबका शुक्रिया करता हूँ, सब लोगों ने हमारा साथ दिया, लेकिन जो ये लोग बावर करवाने की कोशिश करते हैं जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें कि वो इलेक्शन के दिनों में थे कहाँ, जी राम साहब, ये उनका बताइएगा, उनका वो अगर ड्यूरिंग इलेक्शन उनके उनकी एक्टिविटीज अगर चेक की जाए तो आपको सामने वो सब चीजें बातें आ जाएंगी। मुझे कहने ये छोटी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि आप मेरे अजीज हैं और बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपके साथ जो जाती ताल्लुक हैं हमारे वो मुझे मजबूर करते हैं बरकरार ये रहे सब इंशाल्लाह। चीजें, तो अगर ये है कि कोई मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे इस चीज पे बड़ी हैरानगी होती है कि कुछ लोग जो है घरों में बैठ के मुनाफकत करते हैं और द्रोगुरोही से काम लेते हैं और फिर तरह तरह की बातें भी करते हैं, वो लोग करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप ये भी मानते हैं सर, काफी डीडीसी ने भी आपको सपोर्ट किया, जो कि डीपीएपी के पार्टी के हों या बाकी पार्टी के हों सर, मेंडर में सर, जी
बाकी तंजीम के लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया सर, आपके कैंडिडेट को सर, क्या उनका भी वोट शेयर इसमें? डीपीएपी के लीडर हैं इमरान जफर, उसके बाद उन्होंने तो ओपनली, इमरान जफर ने तो ओपनली नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की सपोर्ट की। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि 6,000 से 7,000, 8,000 वोट जो है वो उनका भी पड़ा होगा आपको? अब वो उनका वोट मेरा वोट है, मैं लेता रहा हूँ उनका वोट, आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह लूंगा। अब रिकॉर्ड निकाले ना, पिछला रिकॉर्ड निकाले ना। लेकिन सर उन्होंने तो असेंबली इलेक्शन में आपको हरा दिया, माफी चाहूंगा डीडीसी इलेक्शन में। वो मैंने कहा अब रात गई बात गई, इमरान जफर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की है, मैं उनको मुबारक भी करूंगा, उनकी इस बात को सराहूंगा भी कि ओपनली हमारे साथ वो उन्होंने ऐलान किया और चले, वहां से हमें वोट भी मिले। और ये अलग बात है कि मैंने 700 वोट उनके स्टेशन से लगाया था, लेकिन मुझे 400 वोट मिले वहां से, जो उनका हाई स्कूल सजला था, पर कैफ उन्होंने उनका वोट हमें मिला, उनके खानदान का वोट मिला, उनकी उनके साथ जो लोग चलते हैं उनका वोट मिला, उनके लिए मैं बहुत